ज्यादा करीब जा चुके हैं और चार खिलाड़ियों के साथ वो फाइट लेनी है टीम गॉडलाइक को, वो भी आए और कैंपो मिलेटार के पास आकर वो रुक गए और उन्होंने एक अकेले खिलाड़ी को पकड़ लिया। एडमिनो वहां पर पकड़े गए, पर एडमिनो के पास मैं देख पा रहा हूँ कि वेपन है, पर उसके बावजूद उन्होंने वेपन नहीं चलाया या फिर उनको वेपन मिला ही नहीं। सवाल सवाल ही रहा क्योंकि एडमिनो वो समाप्त कर दिए गए। देखिए जवाब भी मिल चुका है जिस चीज की हमने चर्चाएं करी, ये मुकाबला जहां पे टीम गॉडलाइक को कम से कम वो 20 से 25 अंकों की आवश्यकता थी, एक खिलाड़ी वो अपना खो चुके हैं और अगर यहां से वो अपना एक भी और खिलाड़ी खोते फाइट भले जीत जाए दिक्कतें उनकी बढ़ेंगी, हालांकि फाइट तो भी फिलहाल वो लूज करते हुए ही नजर आ रहे हैं और वो फाइट लेने के लिए जा भी नहीं रहे हैं, वो बेसिक लूट उनके पास मौजूद है। अब देखना यह है कि टीम इंस्पिरेशन जब वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड देखने को मिल रहे हैं क्या अप्रोच उनका रहेगा। और आप देखिए ऐसा नहीं है कि वो जो ब्लाइंड पुश है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, ग्रेनेड्स का पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्रोएबल्स का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जो कवर्स है वो भी बनाए जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ अन्य जगहों पे भी वो जो फाइट्स है वो हमें देखने को मिलती हुई, एनआईवाई के सैम उनको डैगर से फिनिश ऑफ किया गया बट जोनाथन ये 1v1 उनको जीतना पड़ेगा। चलिए एक नॉक यहाँ पे निकाला गया, पीछे से कवर फायर देने के लिए खिलाड़ी मौजूद बट अभी भी आप कह सकते हैं सिचुएशन इवन स्टीवन ही हुई है। क्या और एक और खिलाड़ी आईएनएस का वो अंदर आया चीको, उन्हें भी डाउन किया जाएगा जोनाथन के द्वारा, दो खिलाड़ी डाउन है और अब ये तीसरा खिलाड़ी जोनाथन वो आगे बढ़े और उन्होंने तीसरे खिलाड़ी को भी डाउन किया और अब आईएनएस वो बस्ती एक आखिरी खिलाड़ी के साथ इन योर ड्रीम्स वाई पर वो फाइट लेने के लिए जाना नहीं चाहते थे, वो निकलना चाहते थे पर इसी के साथ सिंप उन्होंने स्पॉट कर लिया गॉडलाइक, उनको मिले चार फिनिशेस पर एडमिनो को उन्होंने गवा दिया। जी हाँ उनके जो